तो कभी खुद से चलकर शायद ही जाए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास कि मुझे, मैं इस मर्ज में मुब्तला हूं तो मुझे मदद चाहिए, क्योंकि लोग यूजली डिनाइल में होते हैं, कोई भी मानेगा नहीं. अगर हम अपने आसपास कुछ ऐसे फ्रेंड्स को देखें या अपनी फैमिली में किसी सिबलिंग्स को देखें या मियाँ बीवी को, तो मेरे ख्याल से वो इस डिनाइल में होंगे, यार तुम ये क्या बात कर रहे हो, हमारा रिलेशन इस तरह का है. तो उस सूरत में क्या किया जाए जब तीसरा शख्स इग्नोर कर रहा है कि दो लोग इस मर्ज में मुब्तला है. डॉक्टर आरिफ, एक शख्स जो कि हर वक्त अपने आप को खुद ही विक्टम समझता रहता है या जो मजलूमियत का शिकार अपने आप को समझता रहता है, कैसे वो इस अगर वो सोच से खुद अपने बाहर आप, हाँ, इसके लिए बाहर दो तीन निकल चीजें सकता बड़ी है? इंपॉर्टेंट हैं. एक तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनएबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग उसमें पैदा हो जाती है, उसे चाहिए कि छोटे छोटे डिसीजन करना शुरू करे अपने, मतलब छोटा सा डिसीजन, मसलन आज मैंने क्या खाना है, आज मैंने क्या पहनना है. छोटे डिसीजन उसे बड़ी डिसीजन मेकिंग की तरफ लीड करेंगे. एक उसे ये काम करना है. दूसरा, कागज पेंसिल लेके अपनी 10 बेहतरीन क्वालिटीज खुद लिखे. और मजे की बात है, जब ये लिखना चाहेंगे तो 10 भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन्हें बताया गया था तुम किसी भी काम के नहीं हो. तो आज उसे 3 मिलेंगी, शायद 2-3 कल मिल जाएं. वो अपनी कम से कम 10 बेस्ट क्वालिटीज निकाले कि मेरे अंदर ये चीजें हैं और उन पर फोकस करें. तीसरी चीज, ऑटो सजेशन जिसे हम कहते हैं, कि वो अच्छे मुस्बत फिक्रे अपने आप से मुसलसल दोहराता रहे दिन में कई मरतबा. मैं कर सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, मेरी आवाज में असर है, मैं अपने काम खुद निपटा सकता हूँ, मैं चैलेंजेस का सामना कर सकता हूँ. इन चीजों को मुसलसल मुस्बत फिक्रे की शक्ल में लिख के दोहराता रहे यहाँ तक कि ये उसके लाशऊर का हिस्सा बन जाए. तीसरी चीज, और चौथी और आखिरी चीज इस सिलसिले में यह है कि इंसानी जहन जो है ये तस्वीरों की सूरत में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. प्रॉब्लम यह है कि उस आदमी के जहन में जो तस्वीरें बन रही हैं वो एक डिप्रेस्ड पर्सन की, एक डिपेंडेंट पर्सन की बन रही हैं. वो अपने आप को देख रहा है एक नाकाम शख्स के तौर पर. सुबह उठ के जब आप शीशा देखते हैं ना, तो कुछ आदमियों को झुके हुए कंधे, बुझी हुई आंखें और मुरझाए हुए चेहरे वाली शक्ल नजर आती है, और कुछ आदमियों को एक चमकता हुआ चेहरा नजर आता है, पूरी उम्मीद के आज एक नया दिन, कितना मजा आने वाला आज. तो उसे चाहिए कि अपने जहन में मौजूद तस्वीरों को चेंज करे, और ये आसान काम है. डॉक्टर साहब, आप समझते हैं, चूंकि टॉपिक हमारे पास वक्त जरा कम रह गया, तो मैंने कहा थोड़ा सा जरा छेड़ भी दूं. जरा आपको लगता है कि जो बेगमात होती हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी का शिकार होती हैं अपने शोरों पर, इस बारे में आपकी क्या राय है? ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा ये दूसरा प्रोग्राम है आपके साथ, और आप भी इस फोबिया का शिकार है. आप हर वक्त बेगम बेगम हर प्रोग्राम में ब्रेक, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बेगमात के सवाल आते हैं और बहुत सारी खवातीन हमारी जो है वो उसके अंदर व्यूअरशिप के अंदर है, इसलिए हम ये सवाल रखते हैं. नहीं, मेरा ख्याल है कि ये भी बेसिकली बाज़ोकात दोनों तरफ से ही होता है. बाज़ोकात हस्बैंड के चाह रहा होता है कि ये हर वक्त मेरी मोहताज रहे, और बाज़ोकात बेगम के चाह रही होती है कि मेरे साथ मुसलसल ऐसे अटैच रहे ताकि मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है. तो इन चीजों को बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ, गुफ्तगू के साथ एडजस्ट किया जा सकता है. मतलब उठ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हैं, साथ तो नहीं लेके जाएगा उसे वहां पे. अच्छा, फोन आया है, किसकी कॉल आई है, अभी कोई बिजनेस कॉल भी तो हो सकती है, छोड़ दो इस बात को. जब तक आप दूसरों को खुद अपने काम करने में आजादी नहीं देंगे और अपने काम खुद नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मामला सेटल नहीं हो सकते.